दर्शक आप उतने अच्छे से बात करें, चाहे बच्चा हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, किसी से भी बहुत प्रेम से बात करना चाहिए। आप लोग को जुबान में मिठास होना चाहिए, तभी आप हर सारे दुनिया के लोगों से काम करा सकते हैं। आपसे जो काम हो जाए आप अपने आप ही करें, नहीं हो तो हेल्प लेने के लिए बड़ा मीठा आपकी जुबान में मीठी शब्द होना चाहिए। दूसरा, जो आई कार्ड वगैरह जिनको मिली है वो कंपलसरी है, जिनको नहीं मिली है उनको दिया जाएगा। जिनके गले में वर्किंग टाइम में जिस दिन छुट्टी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं उस टाइम में जिसके गले में आई कार्ड नहीं होगा, मैंने पहले ही लाइन में कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपकी सैलरी काट दूंगा बोलूं, आपको गेट से बाहर कर दूंगा बोलूं, या ये सारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी बहुत छोटे और बहुत गरीब परिवार में पैदा होकर बड़ा हूं, मैंने भी आपके आप लोगों के जैसे गरीबी देखा हूं, मैंने भी देखा, मेरी भी माँ ने भी मुझे मजदूरी कर करके पाली, इसलिए मैं आप लोगों के हर एक की भावना को समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं हर व्यक्ति की हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरफ मेहनत कर करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। मैं तभी का सफाई वाले अगर कहे कि साहब मेरे साथ काम करो, मैं तैयार, करा नहीं करा उसका पता नहीं, पर करूँगा जरूर, मुझे कोई चिंता नहीं। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, कई सारे लोग कहते हैं मेरा काम नहीं है, मैं सवाल करता हूँ तेरा काम क्या है तुम बता दे, अगर ये तुम्हारा काम नहीं है तो फिर तुम्हारा काम क्या है? इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री झाड़ू लेके सफाई के लिए गुहार मांग रहे, जिस प्रधानमंत्री के गाइडलाइन में हमने पूरा देश चल रहा है, वो प्रधानमंत्री झाड़ू हाथ में लेके सारे दुनिया से गुहार मांग रहे और हम कहते हैं हमारा काम नहीं। गंदगी करने का अधिकार है, गंदगी करने का अधिकार है हमें, अगर गंदगी करने का अधिकार नहीं है तो सफाई करने का, अगर गंदगी करने का अधिकार है तो सफाई करने का कर्तव्य और धर्म भी हमारा है। गंदा करना आता है तो साफ करना सीखना पड़ेगा, जब साफ करना आता नहीं है तो गंदा करने का कोई अधिकार नहीं, उस व्यक्ति को अपने आप को मरे बराबर समझना चाहिए। तो सीधा सीधा कहते हैं, दो माँ होती है, एक पैदा करने वाली माँ जिसकी छाती पी के हम बड़े हुए हैं, कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं, एक पैदा करने वाली माँ जिसकी छाती पी के हम बड़े हुए हैं और एक वो धरती माँ जिसके छाती पे हम खड़े हैं। अगर ये दो माँ को अगर जिसने गंदा बोला और ये जो दो माँ को जिसने गंदा करने की कोशिश की उसको इस धरती से आज ही चले जाना चाहिए, इस धरती पे जीने का अधिकार ही नहीं, गलत कह रहा हूं? तो गंदगी करने का किसी को अधिकार नहीं, गंदा बोलने का भी अधिकार नहीं। सफाई हमारा काम है, सफाई हमारा कर्तव्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सफाई करना हमारा कर्तव्य तो है, धरती माँ की सफाई करना हमारा कर्तव्य तो है, पर अपने आप की सफाई हम कितना करते हैं, हम अपने को कितना स्मार्ट बनाते हैं, रोज नहाना, हेयर कट कराना, जेंट्स के लिए दाढ़ी बनाना, जूते पॉलिश होना चाहिए, मतलब ड्रेस कपड़े पहनने का ढंग, हर चीज मैंने पहले कहा आप लोग बड़े सुंदर हो सारे के सारे, अपने आप को स्मार्ट बनाना जिसने नहीं सीखा वो देश को स्मार्ट बनाने की सोच नहीं सकता। जिसने अपने आप को स्मार्ट बनाना नहीं सीखा वो अपने गांव को और घर को स्मार्ट बनाने की सोच नहीं सकता, जिसने गांव को और घर को स्मार्ट बनाना नहीं सीखा वो शहर की स्मार्टनेस के बारे में सोच नहीं सकता, जो पूरे शहर गांव घर और अपने आप को स्मार्ट नहीं बना सकता वो इस राष्ट्र के लिए घातक है, वो दुश्मन है इस देश का।